नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा RICT डिवाइस है, ये अपडेट कैसे होगा, इसे हम कैसे अपडेट करेंगे, इसमें हमको क्या करना होगा तो हमारा डिवाइस ही अपडेट हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और चलिए हम देखते हैं कि अपने डिवाइस को हम कैसे अपडेट करेंगे। अपडेट का मतलब कि हमारे अभी डिवाइस में, जैसे देखिए आगे ब्याज में आता है कि हमारे डिवाइस पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, CBS का है, या कहीं कहीं RPLI हो गया है, या किसी में मेल डिलीवरी आपका एप्लीकेशन है। तो अपने डिवाइस पे, इस डिवाइस पे अगर आपके डिवाइस पे नहीं है तो कैसे आएगा, उसके लिए कहाँ आपको जाना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इससे संबंधित जो भी अगली वीडियो अपलोड करें इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जब हम इसको अपडेट कराएंगे तो अपडेट कराने के लिए हमको क्या करना है, जहाँ से हमको ये डिवाइस मिली है, जैसे हमारी डिवाइस हमारे हेड ऑफिस से मिली हुई है, शेडोल से, तो जैसे आपकी डिवाइस जिस डिवीजन से आपको मिली होगी, जहाँ से भी मिली होगी, तो आपको उसी डिपार्टमेंट जाना है उसी। तो इसमें सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन आपको अपलोड करवाना पड़ेगा, अपने सिस्टम के माध्यम से वो नोटिफिकेशन को उस पर सेंड करेंगे। और आपका डिवाइस अगर ये पूरा अच्छा सर्वर में रहेगा तो उसी टाइम इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इस स्क्रीन पे यहाँ पास रहता है पुल और इस बगल में है ऑफलाइन। तो हम यहाँ से इसे टच करके इसे देख लेंगे। अगर यहाँ से हमारा कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई देता है तो अगला आ जाए नो नोटिफिकेशन टू प्रोसेस। यदि उसमें कोई नोटिफिकेशन रहता है तो नोटिफिकेशन टू प्रोसेस वन या टू उसमें दिखाई देगा। अगर ऐसा आता है तो आप उस पर क्लिक करते जाइए, आपको वहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अभी हमारी ये डिवाइस में सिर्फ दो फंक्शन है, एक CBS का फंक्शन है और एक डिलीवरी ऐप का फंक्शन है। इसमें मैं जल्द ही RPLI का एप्लीकेशन अपलोड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस पे जैसे ही RPLI का एप्लीकेशन अपलोड हो जाता है तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि हमारे डिवाइस में RPLI से संबंधित कितने प्रकार के काम होते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और RPLI डिपॉजिट और उसमें किस्त कैसे देखेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे आगे। लेकिन दोस्तों, इस पे हमको जो अपलोड करवाना है नया फंक्शन या नया एप्लीकेशन, वह हमको वहीं से मिलेगा जहाँ से हमारा डिवाइस मिला हुआ है। वो अपने कंप्यूटर से अपने सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन भेजेंगे, वो नोटिफिकेशन हमारे इस पे जब पहुंचेगा तभी होगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि जब वह नोटिफिकेशन भेजे वहाँ से अपने डिवाइस के माध्यम से, ये तो उस टाइम पे ये हमारा डिवाइस पूरा नेटवर्क में हो। अगर इसमें नेटवर्क नहीं है तो वहाँ से नोटिफिकेशन भेजेंगे और उस टाइम पे इसमें नेटवर्क नहीं है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो हमारा ये डिवाइस अपडेट नहीं होगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि जब भी वहाँ से नोटिफिकेशन भेजा जाए तो यह डिवाइस पूरी तरह से एकदम नेटवर्क में फुल हो, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम न आए और अच्छी तरह से अपडेट हो जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से RICT से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।